In our class 12th, he maths student. So now today we are going to solve the problem of exercise 6.5. Some remaining questions of 6.5. Maxima and minima और एक लंबा टॉपिक एक्सरसाइज है. और देखो यहाँ पर अपन ये थर्ड वीडियो है. आराम से धीरे धीरे इसके सारे फंडामेंटल बता रहा हूँ. ओके, तो आज अपन कुछ चलते हैं यहाँ पर. नाउ इन क्वेश्चन 4. नाउ इन क्वेश्चन क्वेश्चन 4 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट है मैक्सिमा मिनिमम. प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन है डू नॉट है मैक्सिमा और मिनिमम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स. तो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3. नाउ टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. है ना, मतलब ये है आपका क्वेश्चन है इसमें डू नॉट ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है. हाउ यू कैन सॉल्व दिस. तो नाउ इन दिस क्वेश्चन सिंस एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स सो बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना आप सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. सबसे पहले देखो वन टाइम डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स का. आपको मालूम है डिफरेंशिएशन आप ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू डिफरेंशिएशन आप ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो सो ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू. आपको यदि मालूम है सिंस यू नो दैट ई रेज़ टू एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ई रेज़ टू एक्स इज द एक्सपोनेंशियल सीरीज विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ये कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 1 चुनता सो यू हैव ई रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 0 बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज ई इज ए पॉजिटिव नंबर और इट कैन नॉट बी 0 सो ई रेज़ टू 1 इज नॉट इक्वल टू. तो जब ये 0 नहीं है 0 हो ही नहीं सकता तो मीन्स वी हैव नो एनी टर्निंग पॉइंट फॉर विच यू कैन गेट द मैक्सिमा. सो हियर इट हैज नो टर्निंग पॉइंट इट हैज नो टर्निंग. मतलब जब अपन पीछे भी पढ़े मैक्सिमा और मिनिमा हम कहाँ फाइंड करेंगे जहाँ आपको टर्निंग पॉइंट दिया होगा. ओके, टर्निंग पॉइंट ठीक है ना मिनिमम भी हो सकता है. जैसे देखो ये कोई ग्राफ है ये सपोज है ग्राफ ये टर्निंग पॉइंट है तो जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा दैट इज द वहाँ पर ही हम भाई ये मैक्सिमा और मिनिमा. तो जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं है देखो टर्निंग पॉइंट मिनिमा के लिए भी हो सकता है मैक्सिमा के लिए हो सकता है. ओके, तो जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं है तो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा. सो एफ एक्स डज नॉट है मैक्सिमा और मिनिमा. सो एफ एक्स डज नॉट है मैक्सिमा और मिनिमा. सो एफ डैश डज नॉट है मिनिमा. ठीक है, अगर आप किसी का देखो इस सेकेंड क्वेश्चन अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू एफ एक्स इज इक्वल टू
क्वेश्चन नंबर टू, जी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, सो यू नो दैट फॉर लाइक द मॉडलिंग फर्स्टली यू हैव टू फाइंड जी डैश एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स दैट इज वन अपॉन एक्स, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू जीरो, बट दिस इज इम्पॉसिबल, वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यू नो यू हैव ऑलरेडी नो दैट वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पर वन ऐसा नहीं सच है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, सो इट हैज, जब ये जीरो हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं अपन, तो इट है नो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग, सो इट हैज नो टर्निंग पॉइंट, सो एफ एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमम आर मिनिमम, ओ दिस इज क्वेश्चन नंबर, नाउ इन क्वेश्चन नंबर फाइव, इन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखो, अब हम पिछले जो हमारा ग्राफ फंडामेंटल था, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वो बताया था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ग्राफ में हमारा मैक्सिमम एक पॉइंट होगा और वो एक स्पेशल कंडीशन में होता है कि स्पेशल इंटरवल के बीच वो लाइज करता है, तो दैट इज दैट इंटरवल इज नोन एज द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू, ओके ठीक है। तो सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ना,
तो देखो कभी भी जब कोई भी क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगा तो आपने इंटरवल ऐसा जरूर दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट हमारा जीरो है, फिर देखो यहाँ पर एक जो पॉइंट्स है, यानी हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर हम फाइंड करेंगे। एक तो जीरो हो गया और यहाँ पर ये माइनस टू और वहाँ पर दिया है जीरो, तो यू हैव टू पॉइंट्स एट लीस्ट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो जीरो फिर माइनस टू, तो अब सबसे पहले अपन चेक करेंगे एक्स की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो किस पे पुट करना है हमेशा चेक किस पे करेंगे, सिक्स एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स। तो फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक डबल डैश जीरो इक्वल टू सिक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश माइनस इज इक्वल टू सिक्स इक्वल माइनस इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, एट एक्स इज इक्वल टू टू एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू सिक्स इक्वल टू इज इक्वल टू ट्वेल्व। तो अब देखो नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन दिस, सो यू हैव मिनिमम वैल्यूज एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। सो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज, सो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज माइनस ट्वेल्व एंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज ट्वेल्व। तो मिनिमम जो है इसका माइनस ट्वेल्व होगा और मैक्सिमम होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और केजीएस के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमारा ये थर्ड वीडियो है ना, बहुत लगभग सारा फंडामेंटल बार बार मैं आपको क्लियर करा दिया और ये नेक्स्ट है इसका आप अगले सारी सुनते हैं, ठीक है सारी। सो हियर वी हैव पीएक्स इक्वल टू 41 प्लस 84s माइनस 18s स्क्वायर। सो फॉर 94 मिनिमम यू हैव टू फाइंड फर्स्टली वी ई डैश एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 41 0 24 एक्स कॉमन होगा
सामने आएगा 36 एक्स. सेकेंडली 5t डबल एस एक्स 0 माइनस 36. सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम p डैश एक्स इज इक्वल टू. So this is your turning point x is equal to 2 by 3. So the value of x is equal to 2 by 3 at p double dash. So p double dash at x is equal to 2 by 3 is equal to minus 36 is less than 0. So px has maximum value. Yes, has maximum. So what is the maximum profit? So putting the values of x is equal to 2 by 3 in this function. So maximum profit. So maximum profit is equal to 24 into 2 by 3. 18 into 2 by 3 whole square. So this is equal to 41 plus 3 area 16, 18 into 4 upon 9. So 41 plus 16 minus 8 is equal to 41 plus 8 is equal to. तो ये जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये आ गया आपका आपका 49. तो ऐसे बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा मेन फंडामेंटल है. किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले हम उसका फंक्शन ढूंढेंगे, है ना. फर्स्टली आपके फाइंड द फंक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन और आफ्टर दैट फर्स्ट डेरिव सेकेंड डेरिवेटिव आपको अप्लाई करना है. तो सबसे पहले फंक्शन के जैसे इस क्वेश्चन में आपके दिया फंक्शन पी एक्स इक्वल टू इवन है ना. हमारे टाइम की डिफरेंशिएशन की है पी डैश एक्स फिर पी डबल डैश एक्स, ठीक है ना. फिर उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आएगा उसको हम इसको चेक करेंगे मैक्सिमा है कि मिनिमा है. और आफ्टर दैट अगर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है. तो ये आइए थर्ड आपका वीडियो है और कोई भी अगर आपको डाउट है आप इसको हमसे पूछ सकते हैं. और सारे स्टूडेंट्स को वीडियो को देखना है और उसके बाद उसको फेयर नोट्स बनाना है. थैंक यू.